उप मुखिया बोल रहे हैं? आपके हैं बेतिया 24 न्यूज से, प्रिंस तिवारी बोल रहे हैं। ये जो दुष्कर्म का घटना हुआ है रामनगर के मुरेड़ा गांव में, उन लोगों से आप बोल रहे थे कि मैनेज कर लीजिए, थाना पे जा रहे थे तो किसे? ये जो कौन, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सोनू पाठक। सोनू पाठक से बात कर रही है? ये तो बोल रहे हैं कि रास्ता में रोक कर आप दबाव दे रहे थे इनको। रुके रुके, हेलो, तो ये तो बोल रहे हैं आप पे आरोप लग रहा है, कुछ लोग भी उनके साथ थे वो भी बोल रहे हैं कि आप मैनेज करने के लिए बोल रहे थे। कोई बचा लेगा उनको? आपके घर पे चाहे आपके गांव में ऐसा होता तो आप छोड़ देते? नहीं तो ये लोग तो बोल रहा है कि आप रोड़ा बन रहे हैं उनमें, ये लोग थाना पे जा रहे था तो आप रोक रहे थे, बोल रहे थे कि मैनेज कर लो। फोन पे कुछ ये बात कीजिएगा, बोलिए बोलिए। बागीचा में आप ये रोक रहे थे, बागीचा में रोक रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोग केस रफा दफा कर लीजिए, पैसा ले लीजिए। क्या किसी का बहन बेटी का लूट लिया जाएगा और पैसा दे दिया जाएगा तो हो जाएगा? ये बोल रहे हैं आप पे आरोप लग रहा है सर, इसमें आपसे अनुरोध रहेगा कि इस मैटर में नहीं आइए और इसको जल्द से जल्द न्याय मिले। कोई भी आएगा उन पे, उनके ऊपर भी मुकदमा होगा। नहीं आप हैं सर, आपसे भेंट करने के लिए। देखिए आपके घर पे होता है या किसी के साथ होगा तो ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे बात नहीं किया जाता है कि कल होकर आपके साथ हो तो ऐसा ही होगा। हाँ 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 नहीं तो आप इस मैटर में नहीं आइए। रुकिए, ठीक है सर, आपसे यही अनुरोध रहेगा। एक मिनट सर, एक बात हमें बताया जाए कि फिर अगर आपका मैटर नहीं है तो यहाँ की जो तमाम माता बने हैं, इधर आइए, वो आप पे आरोप क्यों लगा रही हैं? 50,000 रुपया जाता नहीं लोग इन थाना पर, तो 50,000 रुपया का अथी आँख दिखा के कि 50,000 रुपया लेके यही पर रफा दफा कर दी। हमारा इज्जत लबल के लोग खातिर रुपया बे रुपया के कीमत पर हम 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 ये बोले थे, ये उप के जी बोले थे। क्या जी बोलिए तो? आप पे तो सीधा आरोप लग रहा है उप मुखिया जी। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ये एक 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 सुनिए, एक आप थाना में गए थे तो थाना में क्या रिजल्ट मिला है बताइए, क्या हुआ है अभी तो, क्या कार्रवाई हुआ है उप मुखिया के नाते बताइए? उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए तो हुआ क्या है दादा, अभी तक हुआ क्या ये बताइए? हुआ क्या है उनके ऊपर? FIR हुआ है, वहाँ से टेस्ट आएगा। कब कब तक आएगा? इतना बड़ा वीडियो वायरल हो जाता है, एक छोटी सी बच्ची नाबालिग के साथ ऐसा चीज आता है और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, उसके घर पे आके ताला बंद किया जाता है। जब कुर्ती जब्ती होगा घर और टूराएगा तब न सलाह उसका आएगा, पेशी होगा। आपसे थाना प्रभारी से बात हुआ है आपका? क्या बोले हैं थाना प्रभारी? कितना दिन? 3 दिन हो गया सर, 3 दिन में अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? हम तो पुलिस प्रशासन है नहीं, आप उप मुखिया है, आपको वोट दिया जाता है, आपको जिताया गया है, इसलिए जिताया गया है कि आप हमारे अभिभावक हैं, मतलब पंचायत के सेकंड अभिभावक, एक पिता के सम्मान पूरे पंचायत को मुखिया संभाल के रखता है, आप भी एक मुखिया है लेकिन आपके ऊपर तो हजारों आरोप लग रहा है सर। भैया मेरी बात सुनिए आप। हेलो जी सर, मेरी बात सुनिए, जिसके घर पे ये मैटर हुआ है ना वो भी मेरे गार्जियन है, ठीक है, वो भी मेरे अंकल है, समझ रहे हैं ना? अगर गार्जियन अंकल होते तो इतना आरोप आप पे नहीं लगाते और यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपका नाम ले रहा है सर। और अब मामले की सच्चाई तो हम नहीं जानते हैं लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम देखते हैं कि उप मुखिया जी कितना दिन तक इन लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं। और आप देख रहे हैं सभी तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क और बेतिया 24 न्यूज, एकदम इंसाफ मिले कि उनको एकदम इंसाफ के लायक है, वो इतना घटिया कर्म किया गया है कि वो कहीं से कहीं बचने नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।